नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड की सभी देवी देवता ने दे दिया है भारी संकेत, अब शेर की तरह राजा बनोगे। आने वाले 10 दिनों के अंदर वो घटनाएं होंगी जिन्हें कोई रोक नहीं सकते। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते अब यह बात को समझ आइए कि आखिर देवी देवताओं का क्या संकेत आप सभी के जनकाल पर मिल रहे हैं। आखिर यह भगवान यह देवी देवता आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर कौन कौन से चीज देने वाले हैं, कौन कौन सी कामयाबी देने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी शुभ समाचार आपको देने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप उस समय रहते इन्हें समझ लेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जनकाल पूरी तरह बदल जाएगा। जी दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि किसी को भी मेरे राम उदास न रखना, सबको तू अपने चरणों के पास रखना, गम ना आए किसी के पास ए मेरे मालिक, नजर एक करम तू सबके खास रखना। जी दोस्तों, हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन काल में हमेशा खुशियों की बारिश हो। दोस्तों आपको बता दें कि अष्टमी ग्रहों की स्थिति बहुत ही सामान्य है, लेकिन दोस्तों इनमें ग्रहों का जो संकेत है, ग्रहों का जो इशारा है, आप सभी के जीवनकाल में ईश्वर की देवी शक्तियां मिलने वाली हैं। क्यों दोस्तों, आप लोग जो होते हैं ईश्वर के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन रखते हैं, साफ दिल के आप इंसान हैं, कभी भी किसी का छल कपट के बारे में नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि दोस्तों ईश्वर भी आपके ऊपर आकर्षित होते हैं और दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के संकेत देते हैं। जी दोस्तों, बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि आपके पिछले समय के अच्छे कर्म ही हैं जो कि आपको ईश्वर को जोड़ता है और ईश्वर भी आपको अच्छे संकेत देते हैं। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा, परंतु अब आपकी जरूरत होती है किन संकेतों को समझने की। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें लाभकारी साबित होंगे, कौन कौन से कार्यों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे पवित्र मन से जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम का स्मरण कर लें। दोस्तों श्री राम जी का आशीर्वाद बाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अमूल्य ज्ञान से जो कि दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन काल में सिर्फ प्रयोग करने हैं और दोस्तों 10 दिनों के बाद आपके मानसिक पर जो परिवर्तन होंगे दोस्तों यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल देगा। तो दोस्तों बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि दोस्तों आप हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करें, यही गुहार लगाएं ईश्वर को। जय दोस्तों कि हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया है और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वो आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान है। जी दोस्तों, हर रोज आप ईश्वर से इन बातों को गुहार लगाएं। दोस्तों यकीन मानिए आने वाले 10 दिनों के बाद जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जी दोस्तों, बातें सच्ची लगी हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता ने क्या संकेत आपके लिए दिए हैं और आने वाली 10 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप कभी भी किसी के बारे में छल कपट ना ही विश्वासघात के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपने कार्यों में पूरी मेहनत के साथ डटे रहते हैं, हमेशा आप अपने मेहनत पर यकीन रखते हैं। आप चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम मेहनत करें उनमें हमें सफलता की अवश्य प्राप्ति होगी। जय दोस्तों, और यह बात बहुत ही ज्यादा सटीक है आप सभी के लिए कि आप मेहनत के दम पर हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जो आपके जीवन काल में आपको चाहिए। जी दोस्तों, और यही चीज आपको ईश्वर से भी जोड़ता है और आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का बहुत ही प्यारा संकेत आपको मिलने वाले हैं कि आपका जीवन किस प्रकार बदलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको कौन सी ईश्वर की देवी शक्तियां मिलेंगी, कौन सी संकेत मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप जब भी सुबह उठे तो दोस्तों सूर्य को देखें। दोस्तों अगर आपको सूर्य को देखने के बाद अपने आंखों में चमकता हुआ तारा दिख जाए
तो दोस्तों यह बातों पर आप बहुत ही ज्यादा गौर कीजिएगा कि दोस्तों आपका नसीब चमकने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि प्रतिदिन आने वाले 10 दिनों में आप इन बातों पर बहुत ही ज्यादा गौर करें। जी दोस्तों, अगर आपको काला काला कुछ दिखाई दे तो दोस्तों इनमें आपको कुछ करना है कि ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना है ईश्वर से। और दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आपकी सभी बुराइयां खत्म होगी और आपके जीवन काल में बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी। जो भी दैत्य दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों इन संकेतों को आप जरूर भी प्रयोग करिएगा। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण करने का समय होगा। आपको बता दें कि यह समय अचानक ही कोई असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी प्राप्त करने में समय सक्षम रहेंगे। फोन द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अति आत्मविश्वास आप पर हावी ना रहे। घर में भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी व फिर अपने व्यवहार कुशलता द्वारा उसे निपटाने में भी जो है सक्षम अवश्य रहेंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी अटके हुए काम के बारे में प्रगति वाली खबर मिलेगी, जिसकी वजह से आप पर बना तनाव भी इसमें कम रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अति आवश्यकता होगी। खुद पर विश्वास रखें, बातें अभी आपके पक्ष में ही होंगी, लेकिन जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से मन में चंचलता भी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय भी होगा। स्थान परिवर्तन की कोई योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। दोस्तों आय के नए स्रोत इसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक स्थिति भी इसमें आपकी बेहतर होगी। आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको कई परेशानियों से राहत दिलवाने वाली है। तो दोस्तों इसमें मित्रों की आप सलाह पर विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य की सहमति अवश्य लें। ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, साथ ही अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। नए मित्रों के साथ परिचय बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा आपका निजी भविष्य में फायदा भी हो सकता है। व्यापार में संबंधित बातों को रिक्स लेने से पहले अपनी क्षमता को परखना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थितियां अनुकूल है, समय की कीमत और महत्व का आज इसमें आपको सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपको कोई अवश्य नई उपलब्धि हासिल होगी। भूमि जायदाद से संबंधित कोई भी अहम काम भी यश में संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी यश में रुचि रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा करने से बचे, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाभ होने की संभावना उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कार्य में इसमें करने से पहले उन पर सोच विचार कर लें। व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप किसी के ना करें, अन्यथा बिन बात के कुछ रिश्ते में खटास हो सकते हैं। इस पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको महसूस होगी। आगे के काम की योजनाएं बनाते समय आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि भविष्यकाल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही सकारात्मक बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मिल रही परिस्थिति का पूरा आनंद लेने की यश में आप कोशिश करें, क्योंकि यह परिस्थिति आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई कार्य भी यश में किसी की मदद से हल हो सकता है। संतान के करियर और शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान आपको राहत देगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करना यश में आपके लिए जरूरी होगा। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए आपके स्वास्थ्य और कार्यों का हानि कर सकता है, तो धैर्य बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे। पैसे के मामले में किसी के द्वारा आपको फंसाने का डर भी सता सकता है। पैसे से जुड़े डर को अधिक महत्व न देते हुए ठीक से व्यवहार करने पर अधिक ध्यान देने की यश में आपको आवश्यकता होगी।
आपकी नरम स्वभाव का कोई गलत फायदा भी इसमें उठा सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए सही वक्त पर खड़ा होना आपको इसमें सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों ये समय व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए धोखाधड़ी होने की आशंका लग रही है। इसलिए यह समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही कहीं पर इसमें निवेश करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा, ये आपके व्यापार के लिए इसमें बेहतर होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यह समय पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा तथा परिवार के साथ कोई मनोरंजन या फिर गेट टुगेदर संबंधी योजना भी बन सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय की परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में यह समय तब्दील हो सकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपसे संबंध और अधिक बेहतर और मजबूत होंगे तथा पारिवारिक वातावरण भी यश में सुखद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों शारीरिक कमजोरी और फिर थकान आपको महसूस होगी। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे।